पटेल होने की वजह से बीजेपी कर रही टारगेट, फर्जी है वीडियो, बोले गोपाल इटालिया। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल वाला वीडियो वायरल होने के मामले में गुजरात के आप नेता गोपाल इटालिया का बयान सामने आया है। गोपाल ने कहा कि मुद्दा वीडियो का नहीं बल्कि गुजरात में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक का है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी भाषा खराब है तो मुझे फांसी चढ़ा दो। आप गुजरात के संयोजक गोपाल इटालिया ने बीजेपी पर हमला किया। इटालिया ने कहा कि गुजरात में इस चुनाव में आम आदमी पार्टी तेजी से उभर रही है। गुजरात की जनता को आम आदमी पार्टी पर भरोसा है। सर्वे में आपकी सरकार गुजरात में बन रही है, इसी वजह से बीजेपी घबराई हुई है और ऐसे रास्ते ढूंढ रही है जिससे आम आदमी पार्टी को नीचा दिखा सके। गोपाल इटालिया ने कहा कि इसी क्रम में कहीं से ये वीडियो आ गया। इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, पुराना कोई फर्जी सच्चा झूठा वीडियो लेकर आ गए हैं। गोपाल इटालिया ने कहा कि बीजेपी जनता को बता रही है कि 4 से 5 साल पहले किसी ने ये बोल दिया था, इसलिए 2022 के चुनाव में हमें वोट दे दो। इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। गुजरात की जनता 27 साल का हिसाब मांग रही है। 27 साल बाद भी महंगाई, बेरोजगारी, सड़कें टूटी हुई क्यों हैं? अभद्र भाषा का सवाल पूछे जाने पर गोपाल इटालिया ने कहा कि मेरी भाषा खराब है तो मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन बीजेपी बताए कि महंगाई से छुटकारा कब मिलेगा। मुद्दा ये है कि बीजेपी ने 27 साल तक सरकार चलाने के बाद भी ये जवाब नहीं दिया है, इसलिए मुद्दों से भागकर इधर उधर का वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो फर्जी है। गोपाल ने कहा कि गोपाल इटालिया पटेल है, पाटीदार आंदोलन से जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। पाटीदार समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है और आपके साथ है। केंद्र सरकार के मंत्री तक ट्विटर पर वीडियो दिखा रहे हैं। मंत्री बताएं कि कितने रोजगार दिए, पेपर लीक का क्या हुआ, गुजरात में ड्रग्स कैसे रोकेंगे। गोपाल इटालिया ने कहा कि मैं गांव का साधारण आदमी हूं, मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, मैं शातिर आदमी नहीं हूं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी नेता और गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने पाटीदार का मुद्दा उठाया है। गुजरात दौरे पर राघव चड्ढा ने बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या गोपाल इटालिया पर बीजेपी इसलिए हमलावर है क्योंकि वो पटेल है और पाटीदार समाज से आते हैं। कुछ साल पहले गुजरात में पाटीदार समाज ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। क्या बीजेपी आज उसी आंदोलन का बदला पाटीदार नेता गोपाल इटालिया से लेना चाहती है? फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।